हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरलेस मीडियम देखेंगे जो कि है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो माइक्रोवेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है जो कि होता है 3 to 10 गीगाहर्ट्ज में। उनका स्टार्टिंग ही है 3 गीगाहर्ट्ज, लेकिन रेडियो वेव्स का क्या था, स्टार्टिंग 3 किलोहर्ट्ज था अप टू सम 1 गीगाहर्ट्ज, लेकिन इसका 3 to 10 गीगाहर्ट्ज है। एंड इट कैरीज लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा एंड लार्ज बैंडविड्थ। तो जो डेटा का क्वान्टिटी होता है ट्रांसमिट करने के लिए वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है और उसका बैंडविड्थ भी ज़्यादा होता है। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है कि जब सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके साइज को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं नॉर्मली। देन फॉर कम्युनिकेशन व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट माइक्रोवेव्स द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी अलाइंड एंड रिक्वायर्स फ्यू रिपीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली माइक्रोवेव में जो एंटीना यूज होंगे एट द रिसीवर एंड सेंडर साइड, तो दोनों एंटीना अलाइंड रहने चाहिए, मतलब एट अ पर्टिकुलर लेवल और एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर वो रहने चाहिए। और अगर आप लार्ज डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो मतलब रिपीटर्स यूज होना पड़ेगा इन बोथ द एंड, ठीक है। और ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, 1 sender 1 receiver, एंड इट इज पर्टिकुलरली यूज इन सेल्यूलर फोन, सेटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस लाइन। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रोवेव है, दैट इज सैटेलाइट माइक्रोवेव। और सैटेलाइट तो सबको पता है वो अर्थ के कुछ ज़्यादा ही दूर में स्काई लेवल में प्रेजेंट होते हैं और जिसके थ्रू हम मतलब हम लोग डेटा रिसीव करते हैं। जैसे हम लोग टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं वो तो सैटेलाइट के थ्रू ही रिसीव हो रहा है ना वो सारे डेटा, और फिर कन्वर्ट होके इमेज के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में हम देख पा रहे हैं। तो वही चीज़ है सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, सैटेलाइट रिसीव्स ट्रांसमिशन ऑन वन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफाइज और रिपीट्स द सिग्नल एंड ट्रांसमिट ऑन अनदर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली सैटेलाइट में जो डेटा जिस फ्रीक्वेंसी में रिसीव होता है वो बाद में एम्पलीफाई होता है या फिर रिपीट होता है फ्रीक्वेंसी का, और फिर वो कन्वर्ट होता है वीडियो में या फिर इमेज में, विच कैन बी रिसीव्ड बाय ग्राउंड स्टेशन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड सैटेलाइट नॉर्मली 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ स्पेस वो प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर है अर्थ के, वो स्काई लेवल में प्रेजेंट है। एंड एक साथ में आप 90 सैटेलाइट इन द स्काई प्लेस कर सकते हैं, पर एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से 40 किलोमीटर अपार्ट होने चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला ये माइक्रोवेव यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है, तो इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बट सैटेलाइट माइक्रोवेव जो है वो ब्रॉडकास्ट के लिए भी यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग तो आपको पता है, जैसे वेदर ब्रॉडकास्ट हो गया, या फिर आपका टेलीविजन में जो भी सीरियल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या फिर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो वो क्रिकेट का जो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो सब ब्रॉडकास्ट के अंदर जाता है। तो इसका एप्लीकेशन ऑब्वियसली टेलीविजन में है एंड बिजनेस नेटवर्क में होता है। बिजनेस नेटवर्क में मतलब जैसे आप एक कंपनी है बैंगलोर में और बैंगलोर से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं यूएस के कोई कंपनी को, तो वो मतलब बिजनेस नेटवर्क हो गया थ्रू सैटेलाइट। एंड लास्ट टाइप ऑफ वायरलेस मीडियम जो है वो है इंफ्रारेड रेस। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 गीगाहर्ट्ज to 400 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पर ये यूज़ होता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसीलिए ये ऑब्स्टेकल जितना भी आता है उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, और वही एडवांटेज देता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द इंटरफेरेंस। तो कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा हर एक टीवी के लिए एक रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, तो वही रिमोट कंट्रोल और टीवी के बीच में जो भी जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें इंफ्रारेड रेज यूज होता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे डेस्कटॉप के लिए वायरलेस पीसी, वायरलेस मॉनिटर्स आते हैं, देन वायरलेस माउस आते हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रारेड रेज यूज होता है।